बलात्कार के आरोपी को सिंगोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ शारदा काला। आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल एमपी 7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। देखिए सिंगोली की विशेष खबर। नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश एवं अनुविभागीय अधिकारी जावद राम तिलक मालवीय के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक आरसी डांगी के नेतृत्व में सिंगोली पुलिस टीम द्वारा बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 18/6/22 को थाना सिंगोली क्षेत्र के ग्राम राजपुरा झवर निवासी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की उम्र 19 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चली गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सिंगोली पर गुम इंसान क्रमांक 21/12/22 कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान गुमशुदा महिला की तलाश बेगू चित्तौड़गढ़ रावत भाटा व आसपास स्थानों पर की गई। तभी मुखबिर सूचना पर गुमशुदा महिला को काटुंडा मोड़ उदयपुर कोटा फोर लाइन से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। बाद गुमशुदा महिला ने अपने कथनों में बताया कि ईश्वर पिता मुरली धाकड़ उम्र 22 वर्ष निवासी निम्बोदा थाना जावदा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान का मुझे शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया था। जब उसने मेरे साथ चित्तौड़गढ़ व बेंगलोर में मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा साथ बलात्कार किया। बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना सिंगोली पर अपराध क्रमांक 105/18/22 धारा 366/376 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक जिला नीमच द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे। फरार आरोपी ईश्वर धाकड़ निवासी निम्बोदा की तलाश आसपास स्थानों पर की गई। तभी फरार आरोपी ईश्वर धाकड़ को दिनांक 21/6/22 रतनगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश कर पीआर प्राप्त किया गया है। पीआर प्राप्त कर चित्तौड़गढ़ बेंगलोर आदि स्थानों की तस्दीक की जाकर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। प्रकरण में विवेचना जारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।